सत श्री अकाल दोस्तों, सब तो पहला चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ वेख रहे सारे दर्शकों का मैं स्वागत करता हाँ। बटाला तो पत्रकार अखिल मल्होत्रा, अज असी पहुंचे हाँ जी हलका श्री हरगोबिंदपुर के हंसा सिंह फौजी जी के घर ग्रह विखे। उन्होंने गलबात कर रहे हैं कि इलैक्शन का दौर चल रहा, 2022 दी इलैक्शन डंका वज चुका है। इन्हों चोन निशान जो हल्के दे विच इन्हों एसी का चोन निशान दिता गया है। आओ उन्होंने गलबात करते हंसा सिंह फौजी जी नाल कि इलैक्शन के दौर के उत्ते लोगों की किस तरह का इन्हों हंगारा मिल रहा है तो लोगों की किस तरह सेवा करना चाहते हैं। आओ गलबात करते हैं हंसा सिंह फौजी जी के नाल। तो असी पहुँच चुके हैं हंसा सिंह फौजी जी के कोल। सब तो पहला सर सत श्री अकाल जी, इंडिया क्राइम न्यूज़ चैनल पर तुहाडा स्वागत है। सत श्री अकाल जी हंसा सिंह फौजी जी, तुहानू जिस तरह की चोन निशान का डंका वज चुके हैं, तुहानू एसी का चोन निशान दिता गया है, तुसी अपने हल्के लिए किस तरह का विकास चाहते हो? मैं हंसा सिंह फौजी जो कि श्री हरगोबिंदपुर के हल्के दे विचों मैं टिकट मिली है, उतों मैं चोन लड़ रहा हाँ। तो मैं बहुत ही संगत का संजोग मिल रहा है तो मैं संगतान ये अपील करता हाँ कि मैनू वध चढ़ के वोटा पा बना, जो भी समस्या है वो हल करूँगा। बेरोजगारी जिदा बच्चे जड़े है आम तुरे फिर डे है, उन्होंने रुजगार नहीं है। मेरी सरकार आई मैनू बनाया तो पहल के आधार पर जिन्हें भी बच्चे है वेले तुरे फिरते बेरोजगार उन्होंने मैं रुजगार दवाऊँगा। बाकी जरा नशा मुक्त जोड़े बेरोजगार बच्चे नशे के उत्ते लगे है, नशा बहुत करते हैं, माँ बाप उन्होंने बहुत तंग है, किदा भी उन्होंने मैं नशा नशा मुक्त कराऊँगा। और मैं जो भी पिंडा दे विच जा किते भी है कोई भी विकास नहीं होया उत्थे मैं विकास कराऊँगा, गलियां होन नालियां होन कुछ भी होन। तो मैनों बहुत ही संगत दा पिंडा दे विच मैं गया हर एक जगह, मैनों बहुत वधिया संजोग मिल रहा है। हंसा सिंह जी जिस तरह की तुसी आजाद उम्मीदवार खड़े हो चुके हो, जिस तरह आप कहने कि जो उपर सरकार केंद्र सरकार जी बीजेपी की बन जाती है, तुसी आजाद उम्मीदवार अपने हल्के तो जित जाते हो, तुसी केंद्र सरकार को की घोषणा करते हो कि तुहानू अपने अपने हल्के वास्ते कि तुहानू अपनी देंगे अपनी सुविधा देंगे तुसी अपने हल्के का तुसी विकास करा सकोगे? अभी भी जो विधानसभा के मुद्दा उठावे इदा इदा अभी विकास करा है तो सानू फंड भी होना, हर एक चीज़ होना, फंड देंगे तो अं विकास करावे। किन्ने के लोग तुहाडे नाल अपने अपने पिंड के विकास तुसी दौरा कर चुके हो, 3-4 दिन तो तुसी दौरा कर रहे हो, किन्ने के लोगों का तुहानू संजोग मिल रहा है? मैनू बहुत ही संजोग मिल रहा है, मैं कम से कम 15-20 पिंड गया हाँ, मैनू बहुत ही संजोग दिता है। लोगों ने यो आख्या है कि तुम बनो अं तुम वोटा देंगे, विधानसभा के मुद्दा उठाओ कि गरीब आदमी जोड़े वेले बेरोजगार तुरे फिरते हैं उन्होंने रुजगार दवाना है, उन्होंने नशे मुक्त कराने हैं, विकास करा है। तो जो मैं वोटा पा के जिताओगे तो मैं अपने 100% बच्चों नौकरियां दवाऊँगा, घर घर जाऊँगा, फिर गलियां नालियां जो भी समस्या है पिंडों के होए शहरों के होए वो मैं पूरी करूँगा। जिस तरह के आप देखते हैं कि सरकार हर एक बुजुर्ग बंदे दियाँ या अणगहीन बच्चे दियाँ पेंशन लगा देती है कि तुसी भी अपना इस तरह ही विकास चाहते हो कि सरकार सिर्फ इन्हों पेंशन उत्ते रखन के अपना बरो तुसी कहिंदे हो कि बेरोजगारी नूं आपां खत्म करना है, इन्हां नूं व्यापार दिते जाणगे? मैं ना जी जे साडी सरकार आई ते जिन्ने भी हैंडीकैप आ उन्हां नूं अही आप जवा के डाक्टर को करवा के सर्टिफिकेट दवा के उन्हां दीआं पेंशनां लवावांगे। जिहड़े कि एवें विचार तुरे फिरदे चक्कर कट्टण डे है, हर एक सुबह जांदे शाम नूं डाक्टर नहीं उन्हां दी बांह फड़दे, अही जावांगे डाक्टर नूं आखांगे वी पैच चैक करो हाँ इन्हों सर्टिफिकेट बनाओ। असी जिस तरह देख लें कि सुविधा केंद्र खुल चुके हैं हर पिंड हर शहर के उत्ते, पर लोगों को लाइनों के लगना पैंदा है, उन्होंने बारे तुसी की कहना चाहते हो? अं खुद जावांगे सुविधा केंद्र के अंदर, उन्होंने आखांगे भी पहल के आधार पर जिहड़े हैंडीकैप आ उन्होंने पहल के आधार पर सुविधा दी जाए, अं इन्हों रुजगार दवाइए तो ये फिर साढ़े पिछे आएंगे। बाकी जो भी नशियां दा दौर अजकल तुहानू पता ही है भी नशे किदा चिट्टा कि पींदे जा कोई भी है, तो जे साडी सरकार आ गई तो पहल दे आधार ते अहीं विधानसभा दे अंदर मुद्दा उठावांगे। ये सी साडे नाल जी हंसा सिंह फौजी जी, ते आओ देखदे रहो चैनल इंडिया क्राइम न्यूज़ तो पत्रकार अखिल मल्होत्रा दी खास रिपोर्ट। इंडिया क्राइम न्यूज़, जुल्म के खिलाफ जंग, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम न्यूज़।